CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be starting with a new chapter in OC for Standard 11 student. The name of the chapter is Communication, E-commerce and Outsourcing. That is chapter number 4. इस चैप्टर में हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, B2B, B2C जो अलग अलग ई कॉमर्स के साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. हम आ जाते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या? मीनिंग, कम्युनिकेशन इज मेड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड कम्युनिस एंड कम्युनिकेट. ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है, ये जो वर्ड हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उसको हम दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ हुआ ऐसा बोल सकते हैं. कौन से दो लैटिन वर्ड? पहला लैटिन वर्ड है कम्युनिस, COMMUNIS, और दूसरा वर्ड है कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर. ये दो लैटिन वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ है. दैट मीन्स टू शेयर कॉमन. इसका मतलब कहते हैं टू शेयर कॉमन. इन दोनों का मतलब होता है, ये दो लैटिन वर्ड का मतलब होता है टू शेयर कॉमन, कोई कॉमन चीज को शेयर करना, राइट? ग्रेजुअली द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ दिस मीनिंग हैज बीन बिकेम वाइडर. मतलब पहले जब ये वर्ड कम्युनिकेशन आया तो इसका मीनिंग थोड़ा नैरो था. ये तो लैटिन वर्ड से डिराइव होता है कम्युनिस और कम्युनिकेट, जिसका मतलब होता है टू शेयर समथिंग कॉमन. लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये कम्युनिकेशन का मीनिंग काफी वाइड होता गया और इसमें काफी सारे एस्पेक्ट इंक्लूड होते गए. द प्रिमिटिव मैन यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू साइन एंड एक्सप्रेशन. जो प्रिमिटिव मैन था, जो पुराने लोग थे, वो लिखित नहीं, नॉन वर्बल मतलब एक्सप्रेशन और साइंस लैंग्वेजेस यूज करते थे. आफ्टर दैट लैंग्वेज एज अ डायलेक्ट वॉज यूज एज अ कम्युनिकेशन. और धीरे धीरे लैंग्वेज का निर्माण हुआ, लैंग्वेज एज अ डायलेक्ट यूज करने जाने लगा. एज अ रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन ज्यादा इजी हो गया, ज्यादा फास्टर हो गया. कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है. कम्युनिकेशन मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कुछ एंड यू आर रिपोर्टिंग मी बैक. कम्युनिकेशन एक साइड से नहीं होता, कम्युनिकेशन ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. मैं बोल रही हूँ, आप जवाब दे रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ. देयर इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू द टारगेट. ये प्रोसेस है जहाँ पे एक सोर्स से टारगेट, सोर्स मतलब जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, टारगेट मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. इन दिस प्रोसेस सेंडर फर्स्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर एंड सेंड इट वाया मीडियम और चैनल. मतलब जो सेंडर है, मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है. यहाँ पे सेंडर से आपका मैसेज पहुंचता है टारगेट पे. ये जो सेंडर है क्या करेगा, अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वाया अ मीडियम, कोई मीडियम के जरिए टारगेट तक अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है. The receiver of information interprets the message and responds. जो receiver है वो message को interpret करेगा. Interpret मतलब समझेगा कि वो क्या बोलना चाहता है, then वो respond करेगा, ठीक है. Thus in communication, information, concept, emotion exchange होते हैं. In communication when message are transmitted through words by use of language, हम उसको verbal communication बोलते हैं. Verbal communication मतलब information को words के through, language के through, verbal है, verbal communication, ठीक है. इन वर्बल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इज इन रिटन और इन द ओरल फॉर्म. वर्बल कम्युनिकेशन में लिखित, रिटन फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है या ओरल फॉर्म में. प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर प्लेसमेंट इज नेसेसरी. द स्पेसिफिक मीनिंग इज एक्सट्रैक्टेड. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जो भी आपको मैसेज भेजना है वो छोटा और सिंपल रखो कि कम वर्ड्स में हो लेकिन सामने वाले को समझ आ जाए, ठीक है. ओके, द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. जब मैसेज पास होता है विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विदाउट यूजिंग वर्ड्स, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यहाँ पे अगर वर्ड्स नहीं तो क्या, साइंस यूज होते हैं, कुछ फिजिकल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, आई एक्सप्रेशन के थ्रू मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं. जैसे म्यूजिक के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, ड्रॉइंग के थ्रू, ठीक है. सो कम्युनिकेशन अगेन दो टाइप के अपन ने पढ़े, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इस्तेमाल होता है इधर ओरली और इधर रिटर्न, ठीक है. वर्बल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है आपको मैसेज को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई भी वर्ड्स नहीं होता, एक्सप्रेशंस, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब के थ्रू
कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो दो टाइप की कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये सब जो अपन ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, फिर कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब जो अपन ने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब अपन आ जाते हैं डेफिनेशन पे, ओके। सो डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइन। अब देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, मैं बड़ी वाली डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल रिगार्डिंग नॉलेज। कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, इमोशन, फीलिंग, ओपिनियन। सेंडर सिलेक्ट प्रॉपर मीडियम, जो सेंडर है वो रिसीवर को भेजने के लिए प्रॉपर मीडियम सिलेक्ट करता है। As a result, his or her behavior is changed and a relationship is established, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप लर्न कर लोगे, जो बड़ी वाली डेफिनेशन है वो लर्न कर देना, और जो आगे डेफिनेशन थी वो भी इजी है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन के चैप्टर में, वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स द आउटकम रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। दो चीजें होती है, एक होता है डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे दोनों सेम है, नहीं, डेटा रॉ फॉर्म में होता है, डेटा को जब प्रोसेसिंग करते हैं तो मिलता है इंफॉर्मेशन। डेटा रॉ कच्चा फॉर्म होता है, ऐसे अब्रप्टली कलेक्ट किया हुआ, डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज करोगे, प्रोसेस करोगे, तो आपको मिलता है जाके इंफॉर्मेशन, क्लियर। तो देखो इंफॉर्मेशन मीन्स द आउटकम रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करके जो मिलता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, इफ यू कलेक्ट प्राइस ऑफ अ थिंग फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेज, देन दीज प्राइजेस आर डेटा, बट डिटेल्स लाइक मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, वो इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आप लोग को बोल रही हूँ काम करो, पांच मुझे एक आइटम लेना है, सपोज मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, मैं बोल रही हूँ ए दुकान पे वो ड्रेस 100 रुपए की मिल रही है, बी दुकान पे वो ड्रेस 150 की मिल रही है, सी में 175 की मिल रही है, डी में वो 75 रुपीज की मिल रही है, ई में वो 50 रुपीज की मिल रही है। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो क्या, अपनी इन्फॉर्मेशन। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही हूँ, मैं बोलूँ देखो भाई महंगे में महंगे लेना है तो 175 में मिलेगी, और मिनिमम में आपको चाहिए तो आपको 75 रुपीज में मिल जाएगी। तो ये जो मैंने बोला, सॉरी 50 रुपीज में मिल जाएगी, तो ये जो मैंने इस इंफॉर्मेशन, सॉरी हाँ, इस डेटा से ये चीज डिराइव की, ये हो गया इंफॉर्मेशन। मतलब ये तो सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको प्रोसेस करके उसका एनालिसिस करने को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, क्लियर। चलो नाउ हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस में आता है स्टेप 1, क्रिएशन ऑफ मैसेज। जब आपको कम्युनिकेशन करना है तो मैसेज तो बनाओ पहले। आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो तो क्या करोगे, पहले मैसेज टाइप करोगे ना, सो यू नीड टू क्रिएट योर मैसेज। तो मैसेज को क्रिएट करना है। मैसेज इज फॉर्मुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। एग्जाम्पल, फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 PM द स्टेप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज फॉलो। आप देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। अब इसमें क्या किया, आपको पूरा प्रोसेस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ये एग्जाम्पल फटफट कर लेते, बहुत इजी है समझने में। देखो ये टेबुलर फॉर्मेट में एग्जाम्पल है, पहले स्टेप्स है 1 to 5, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप्स है, फिर एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, मैसेज बनाना। पहले मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैसेज ओरल हो सकता है, रिटर्न, वर्बल, नॉन वर्बल। अब इसका एग्जाम्पल देखो, At what time after 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available? The process, मतलब हमको क्या पूछना है कि भाई 8 बजे के बाद राजकोट से वडोदरा जाने की कौन सी बस अवेलेबल है? इसको ये अपना मैसेज है। अब देखो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। सो एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available? ये एक मैसेज आपने बना दिया, सबसे शॉर्ट सिंपल। अगर आपको इसको लिखना है आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम वडोदरा टू राजकोट एंड विच विल बी द टाइम सो दैट आई कैन, इतना लंबा जोड़ा लिखोगे तो सामने को समझ नहीं आएगा। शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज आपने फॉर्म करा। सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ मीडियम। अब ये मैसेज को आपको भेजना है तो आपको बीच में एक मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर क्रिएशन ऑफ मैसेज, इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज वन नीड टू गो
पर्सनली यहाँ वहां पे जाके दो या तो कोई मीडियम से भेजो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे इस एग्जाम्पल में टेलीफोन इज यूज एज अ मीडियम, यहाँ पे टेलीफोन के थ्रू मैसेज भेजा जा रहा है, मीडियम मैसेज बना दिया, मीडियम सिलेक्ट कर लिया, अब भेज दो मैसेज, टू सेंड मैसेज, मैसेज इज सेंड आफ्टर सिलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ मैसेज। मीडियम सिलेक्ट कर लिया, अब आपको इन्फॉर्मेशन भेजना है, मैसेज भेजना है। अपने एग्जाम्पल में इट इज इंक्वायर्ड एट वॉट टाइम आफ्टर 8 PM फ्रॉम बस फ्रॉम राजकोट टू विल बी अवेलेबल। देन उधर मैसेज भेजने के बाद सामने वाला मैसेज को क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो नेक्स्ट इज एक्सेप्ट द मैसेज, द सेंडर सेंड्स द मैसेज और रिसीवर क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट। अब अपने एग्जाम्पल में देखते हैं, यूजिंग द मीडियम ऑफ टेलीफोन द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर को ये मैसेज मिल गया, रिसीवर को मैसेज मिल गया, फिर उसको क्या, उसको करेगा इंटरप्रेट करेगा, समझेगा तो सही, रिस्पॉन्स करने से पहले आपके फोन में कोई मैसेज आता है तो आप समझते हो अच्छा क्या बोलना चाहता है, इंटरप्रेट तो करोगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, सेंडर सिलेक्ट प्रॉपर वर्ड्स एंड यूजेस सच लैंग्वेज इन विच मैसेज दैट द रिसीवर कैन इंटरप्रेट इट वेरी वेल। जो सेंडर मैसेज भेज रहा है ना रिसीवर को, उसको ऐसे वर्ड सिलेक्ट करने चाहिए कि रिसीवर अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, when the sender sends the message that at what time after 8 pm a bus from Rajkot to Vadodara will be available, to receiver understand that there is a query regarding a bus available for Vadodara after 8 pm. Okay, when the sender sends the message that at what time after 8 pm a bus from Rajkot to Vadodara will be available and the receiver understand that there is a query regarding a bus available for Vadodara, theek hai, Vadodara ke liye kab available. अब रिप्लाई टू द मैसेज, मैसेज समझ लिया, अब रिप्लाई। रिसीवर ऑफ द मैसेज पहले मैसेज को प्रॉपरली इंटरप्रेट करेगा, फिर उसको रिप्लाई करेगा। अपने एग्जांपल में, रिसीवर ऑफ द मैसेज रिप्लाइज टू द क्वेरी, एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 पीएम अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल, एंड वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सप्लाई कर लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इजी तरीके से हमने एक टेबल ऑफ फॉर्मेट में पढ़ लिया। तो इसको एक बार पहले मैं, आपने ये अभी समझ लिया डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मैसेज बनाओ। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको मैसेज बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। मैसेज ऐसे बनाओ आपके वर्ड्स शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए जिसके रिसीवर को समझ आ जाए। मैसेज बनाने के बाद आप क्या सिलेक्ट करोगे, मीडियम। तो सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ मीडियम, मैसेज बनाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है मीडियम। थर्ड इज मैसेज को भेज तो मीडियम सिलेक्ट कर लिया, नाउ टू सेंड मैसेज, मैसेज गया। फोर्थ मैसेज एक्सेप्ट करेगा सामने वाला, टू एक्सेप्ट मैसेज। अब क्या मैसेज एक्सेप्ट करके खत्म, रिप्लाई कर देगा डायरेक्ट, नहीं पहले समझेगा ना। सो फिफ्थ वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। एंड सिक्स्थ वन इज रिप्लाई टू मैसेज, मतलब सबसे पहले मैसेज, पहले सबसे पहले आपने क्या करा, मैसेज फॉर्म क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, उसके बाद हमने सिलेक्ट करा मीडियम, सिलेक्शन ऑफ मीडियम, फिर मैसेज सेंड किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, उसको इंटरप्रेट करके रिप्लाई किया, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेशन का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं इंटरनेट पे, मीनिंग ऑफ इंटरनेट पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑल अबाउट इंटरनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। अभी वर्ड जो इंटरनेट है वो भी दो वर्ड से डिराइव हुआ है, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। ये दो वर्ड से वर्ड इंटरनेट डिराइव हुआ है। द वर्ड इंटर रिफर्स टू इंटरनल एंड द वर्ड नेट रिफर्स टू नेटवर्क। ये जो इंटरनेट में इंटर है ना, इंटर मतलब क्या होता है, इंटरनल, और नेट मतलब नेटवर्क, मतलब इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, इंटरनल नेटवर्क। द वर्ड इंटरनेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम इन द वर्ल्ड। इट हैज अदर नेम्स लाइक, इंटरनेट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे नेट, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, साइबर स्पेस। तो आपसे पूछ सकते हैं इंटरनेट के और कौन कौन से नाम है। सो इंटरनेट को नेट के नाम से भी बुलाया जाता है, साइबर स्पेस के नाम से भी बुलाया जाता है, एंड
इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ये नाम से भी इंटरनेट को बुलाया जाता है. When the group of the computers are connected with a purpose to share information and resource, it is called network. Network मतलब क्या होता है? Suppose आपके घर पे चार कंप्यूटर है, वो चारों कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया है कि suppose ये कंप्यूटर में आपकी कोई फाइल है तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी है, तो वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क में है. तो जब आपने कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर लिया जिससे आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाओगे, रिसोर्सेस को शेयर कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क. नेटवर्क इसको बोलते हैं व्हेन द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द पर्पस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स. क्लियर? फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. The system of connecting two or more components उसको network बोलते हैं. These computer may be in the same room या अलग अलग room में हो सकते हैं. The area of network cover nearby as well as computer. Internet means network of computer connection. No one owns the internet. Some organization help us to provide the facility of internet. कंप्यूटर नेटवर्क मैंने बताया कि जब आपने अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया जिससे उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है, उसको शेयर कर पाओ, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं. अब नेटवर्क चार प्रकार के होते हैं. जो अपन ये कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, वो कितने टाइप के? फोर टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क. सबसे पहला है लैन, फिर है कैन, मैन, वैन. लैन कैन मैन वैन. देखो लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. मीन्स कंप्यूटर इज सर्टेन प्लेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू वायर और विदाउट वायर. मतलब लोकल एरिया, थोड़े आजू बाजू के कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू या बिना वायर के थ्रू कनेक्ट कर लो. लैन मतलब लोकल, थोड़ा थोड़ा लोकल एरिया नेटवर्क. कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क. कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब एक कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है, भले वो अलग अलग रूम में, लेकिन वो एक सेम कैंपस में कनेक्टेड है. मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर्स ऑफ अ सिटी आर कनेक्टेड विद वन अनदर. पूरे सिटी के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, मेट्रोपॉलिटन एरिया. एंड वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क. इसका मतलब कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्री. मतलब इंडिया और यूएसए का कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, ग्लोबली कनेक्टेड है, कोई बाउंड्री नहीं. दस डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट. अब वाइड एरिया नेटवर्क की दो कैटेगरी है. वाइड एरिया नेटवर्क की भी दो कैटेगरी है, एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन. एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन, इसके बारे में भी पढ़ते हैं. पहले इन तीनों को वापस क्लियर कर लेते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? चार. लैन, कैन, मैन, वैन. लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, कैन मतलब कैंपस में जो एरिया, कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन मतलब सिटी के कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क. इसमें अगेन दो टाइप है, एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन. अब एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन पढ़ ले. ओके, एंटरप्राइज वैन. It is a wide area network of computer of a big organization. It is a network of fixed computer of various place. It is network established for an organization. This type of network is called intranet. ये जो enterprise वैन होता है वो एक organization, एक company के computers एक साथ connected होते हैं, और इसको हम लोग intranet भी बोलते हैं. ये जो enterprise है उसको intranet भी बोलते हैं, कि एक company के जितने भी computers है एक दूसरे से connected है. ठीक है, जैसे इंडियन रेलवे कनेक्ट ऑल ऑफिस कंप्यूटर थ्रू द टाइप्स ऑफ, इंडिया के जितने भी रेलवे है सबके कंप्यूटर्स थ्रू एंटरप्राइज वैन कनेक्टेड है. अब ग्लोबल वैन क्या होता है? ये थोड़ा बड़ा होता है. दिस नेटवर्क इज नो जियोग्राफिकल बाउंड्री, इट इज स्प्रेड इन वेरियस कंट्री. ये पूरे के पूरे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड है. इसको हम WWW भी बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वैन. इसको और क्या बोलते हैं ग्लोबल वैन को? WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. Nowadays, internet service provider have established their own separate communication system. Many famous organizations have connected their computers created by a network. Okay. अब तीन टाइप के functions है जो internet perform करता है. Before that, computer network चार प्रकार के होते हैं, LAN, CAN, MAN, WAN.
वैन के अगेन दो टाइप, एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन. एंटरप्राइज वैन मतलब एक कंपनी के जितने भी कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड है, उसको इंट्रानेट भी बोलते हैं. जैसे इंडियन रेलवे, इंडिया के रेलवे के जितने भी कंप्यूटर्स है सब एंटरप्राइज वैन से कनेक्टेड है. ग्लोबल वैन मतलब कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, उसको WWW भी बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ये जो इंटरनेट है उसके फंक्शंस, चार फंक्शंस है, सॉरी तीन फंक्शन अपन पढ़ने वाले इंटरनेट के. तीन फंक्शंस, अपन पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ इंटरनेट. ओके, इंटरनेट के फंक्शन. सबसे पहला कनेक्ट विद अदर पर्सन. We can promptly and easily communicate with any other person in the world with the help of email through internet. अगर आपको एक इंसान से दूसरे इंसान को कुछ मैसेज भेजना, ईमेल कर दो. पूरे वर्ल्ड में कोई कहां पे भी है, सबको एक दूसरे के मैसेज मिल जाते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता है. We can chat with the help of internet, chat भी कर सकते हैं. तो सबसे पहला फायदा ये है कि we can connect with the other person. इंटरनेट की मदद से you can contact with other पर्सन. आप दूसरे पर्सन के साथ क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सेकेंड वन इज रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हो, द कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दस हम इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते. तो सेकेंड वन इज रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंड वन इज रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन. थर्ड वन इज the connection with the other computer system. Connection with the other computer system, the direct connection with the other computer system is possible by using the medium of internet broadcasting. मतलब एक computer दूसरे computer system से connect कर सकता है with the help of internet. So the third one is connection with other computer system. Connection with other computer system. तो अपन ने तीन फंक्शंस ऑफ इंटरनेट पढ़े. सबसे पहला यू कैन कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन, दूसरी बात यू कैन रिसीव इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड वन यू कैन कनेक्शन विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम. एग्जाम्पल द बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑनलाइन. आजकल अगर आपको बैंक अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, यू हैव द बैंकिंग फैसिलिटी. रेलवे टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर हेल्प बाय गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. मतलब आजकल इंटरनेट से एवरीथिंग इज पॉसिबल. क्लियर? तो ये तीन फंक्शन क्लियर हुए. नेक्स्ट है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है ऑन इंटरनेट तो आप कैसे करोगे? बहुत इजी से कुछ पांच स्टेप्स है. वी वुड बी कंप्लीटिंग इट राइट नाउ. वेरी इजी. जो आपको डायग्राम फिगर्स है वो देखते रहना, बहुत समझ आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा. आप सबने किया ही होगा, आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च तो की होगी. सबसे पहले स्टेटमेंट सिलेक्शन ऑफ ब्राउजर. आपको कौन सा ब्राउजर सिलेक्ट करना है वो देखो. मतलब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सर्च करना है, क्रोम पे सर्च करना है, मोज़िला फायरफॉक्स पे, किस पे सर्च करना है वो करो. तो सबसे पहले आपको ब्राउजर सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ ब्राउजर. सो आफ्टर बीइंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट आप कोई भी इंटरनेट ब्राउजर खोलो. जैसे फायरफॉक्स, यहाँ पे फायरफॉक्स खोला हुआ है. ठीक है, जिसे आपको फिगर में फायरफॉक्स का होम पेज दिखता है. जैसे भी आप फायरफॉक्स खोलोगे तो ऐसा दिखेगा. फायरफॉक्स मतलब जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, जो भी, उसमें से फायरफॉक्स एक एक्सप्लोरर है. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ सर्च इंजन. फिर आपको सर्च इंजन सिलेक्ट करना है. होम पेज सर्च इंजन विल बी ओपन एज द राइट द नेम ऑफ द वेबसाइट ऑफ द सर्च इंजन इन वेब ब्राउजर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो www.google.co.in तो गूगल का होम पेज खुल जाएगा. थर्ड स्टेप, टू एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन सर्च बार. आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्च बार में लिखो. जैसे इफ यू वॉन्ट टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट लायन और टाइगर, तो लायन, सॉरी अगर आपको लायन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर्च बार में लायन लिखो और फिर एंटर कर लो. फोर्थ, टू सिलेक्ट द वेबसाइट. फिर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी. सो द लिस्ट ऑफ वेबसाइट जो लायन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो आ जाएगी. आपको जो वेबसाइट चाहिए उसको ओपन करो. एंड फिफ्थ वन इज टू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. और ये करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो पांच स्टेप है इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. टू सर्च द इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, सबसे पहले यू नीड टू सिलेक्ट द वेब ब्राउजर. उसके बाद सर्च इंजन सिलेक्ट करना है. फिर इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए सर्च बार में लिखा. एंड फोर्थ वन सिलेक्ट द वेबसाइट. एंड फिफ्थ वन इज टू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर. अभी अपन ने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन ई कॉमर्स आउटसोर्सिंग. कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, कम्युनिकेशन का स्टेप्स पढ़े. आफ्टर दैट इंटरनेट के बारे में पढ़ा, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़ा. देन
इंटरनेट से कौन कौन से फंक्शंस कैरी आउट करते हैं वो पढ़ा, और हाउ कैन यू सर्च द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट वो पढ़ा. सो विद दिस वी वुड बी एंडिंग अवर लेक्चर एंड कंटिन्यू विद द ई कॉमर्स पार्ट इन अवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय.